का बर्थडे है, उसकी पैदाइश का दिन है और साथ ही में महाराष्ट्र के आर्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो यह ऐसा होगा कि एक सुनहरे अवसर वो बच्ची के नसीब में है और महाराष्ट्र की सरजमीन है जहाँ पे हिंदू हिंद सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की स्थापना की थी और महाराष्ट्र को एक अलग से मोड़ से लेके आए। उसी के साथ में बहुजन मुस्लिम संगठन से हमारी नगमा जी हमसे जुड़ी है और हम यही कामनाएं करते हैं कि आज जो माहौल है उस माहौल में ढले और इस संगठन को आगे से आगे लेके जाए। किस तरह के कार्य संगठन की ओर से किए जा रहे हैं? बहुजन मुस्लिम संगठन एक आवाज़ हम लोग ने पैदा किया था जो कि नवाशवा से बहुत से प्रॉब्लम थे, वर्करों के प्रॉब्लम थे और झोपड़ी से रिलेटेड थे। तो वहाँ से हमारे कुछ लोगों ने इस जो इसकी संस्था की बुनियाद रखी और हम लोग ने हमारे इरादे में आंदोलन करके कामयाबी की और इसी तरह से भी हॉकर्स यूनियन है, वातुक यूनियन है और अभी आने वाले नई जो MPLL का जो बोर्ड चल रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग ने महिलाओं को आगे रखा और ये बहुजन संगठन को उनके जिम्मेदारी देके काम पे आगे किया है। इसके अलावा संगठन देखा जाता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे जाके जो है दाखिल होती है, तो क्या इस तरह का कोई प्लान है आपकी ओर से? अभी देखिए, संगठन इसलिए बनाते हैं कि लोग जुड़े और संगठन से लोगों की हक की आवाज़ और इंसाफ की आवाज़ करें। अब आगे जाके अगर सिस्टम में जाना है तो फिर वो पॉलिटिकल मोड ले सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे साहब हमारे नई मुंबई में थे, एक पोर्ट की ओपनिंग के लिए आए थे और वहाँ पे हमें बुलाया गया। वहाँ कहा गया कि आपकी संगठन हमसे विलिंग करो, तो हमने विलिंग नहीं किया, उनको एक सपोर्ट दिया, पार्टी में दिया कि वो आज हम में से एक है और अच्छा काम कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की बताई हुई नीति पर काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुजन मुस्लिम संगठन ने उनको पार्टी में दिया। आज छत्रपति शिवाजी का जयंती है, उस उपलक्ष्य में तमाम हमारे देशवासी हिंद सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती की मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आप तमाम मीडियाकर्मी ने आयात नगमा मेरी बहन का बेटी का बर्थडे है और बच्ची के बर्थडे में इस प्रकार से आप लोग ने सबको साथ दे के बर्थडे मना रहे हैं, तो बहुत ही शुभ संदेश है कि छत्रपति शिवाजी के जयंती के उपलक्ष्य में आयनात का बर्थडे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर और बच्ची को भी आशीर्वाद मिले और वो भी बरकत करे अपने काम में, अपने जो भी पढ़ाई में और बहुत जैसा भी उनकी बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे भी संस्था की जो भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी मैं निश्चित ही उनको साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने प्रयास किया कि यह कार्यक्रम यहां पर नहीं हो, लेकिन सबको मुँह तोड़ जवाब नगमा ने दिया है, इसलिए उस बहन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, फिर हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबसे करिए, बहुत बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा
जो आज मेन चीज़ है, शिव जयंती भी है और भैयत की बर्थडे भी है, मतलब दोनों जो एक साथ मनाया गया है, ये सब चोरी खुशी की बात है। और जो हमारे नगमा खान जी ने बोले कि अंजन जी आपको आना है, हम लोग जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आज हम लोग का बहुत बड़ा मीटिंग भी था, क्योंकि हम लोग एक अवार्ड शो कर रहे हैं 31 मार्च को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड, उसी की मीटिंग था, तो मीटिंग करके हम पहले ही यहाँ पर आ गए। आयत को ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आगे चलकर एक कामयाब बने, जो समाज में उसकी माँ की तरह काम करे और समाज में कुछ रोशनी दिखाने की कोशिश करे। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आयत आयत जो बच्ची हैं हजारों साल रही है, लंबी उम्र हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। ग्रामीण लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सबके लिए क्या कहना चाहिए? जो भी यहाँ पर गेस्ट आए उन सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा कि विशाल जी जो है इतने बिजी रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और यहाँ पर वो आए और मेरे प्रोग्राम को काफ़ी समय दे करके मुझे बहुत मान दिया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। और जो भी यहाँ पर गेस्ट आए थे उनको भी शुक्रिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं मुस्लिम होकर के भी बहुत ही अच्छे से आज मैं 6 सालों से इनका जन्मदिवस यहाँ मालवनी में मना रही हूँ। इसी दिन मेरी बेटी भी जन्म ली है, तो साथ में मैं उसका भी जन्मदिन मनाती हूँ। अच्छा, सुनने में आया है कि कार्यक्रम को रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया था, उसके बावजूद भी आप रुके नहीं और आपने ये कार्यक्रम को अंजाम दिया। हाँ जी, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए लोगों का मानना है क्या है मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो हमारे प्रशासन ने मुझसे लेटर लिया और परमिशन का लेटर लेने के बाद मेरे कार्यकर्ता को बुलाया और उसको वाइटनर लगा के बोला कि परमिशन नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला ओके, फिर अगर कोई कार्रवाई करोगी तुम प्रोग्राम तो तुम्हें देखा जाएगा। तो मैंने फिर भी प्रोग्राम किया। उसके अलावा भी यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जो अपोजिट पार्टी में होंगे, मैं किसी पार्टी में अभी हूँ नहीं, अभी जुड़ी हूँ, आज ही जुड़ी हूँ, तो मैं वो अपोजिट पार्टी लोगों ने हमारे विशाल भगत जी जो बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं और यहाँ इतने सालों से कर रहे हैं और पूरी अंबुजवाड़ी के अंदर इनकी इतनी अच्छी पकड़ है और इतने अच्छे लोगों के सहयोग करते, उनके बैनर्स फाड़े गए, तो भी मैंने फिर बैनर लगवाया, फिर बहुत कुछ किया गया, मेरे जो लोग आए थे उन तक को परेशान किया गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, ये सब करने से किसी का कोई प्रोग्राम नहीं रुकता है और ना ही मेरा प्रोग्राम रुका और बहुत अच्छे से हुआ। और भी एक मेरे बहुत महान चीफ गेस्ट आने वाले थे जो नहीं आ पाए, तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, होता है लाइफ में, ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं और इस हादसों को दूर करके हमें आगे चलना चाहिए, अपने लक्ष्य और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मेरा काम है सिर्फ समाज सेवा करना, ना कि किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना। धन्यवाद। इसके अलावा एक नई जिम्मेदारी भी आपको आज के मौके पर दी गई है, इसके लिए क्या है? हाँ, मुझे जो ये मुस्लिम बहुजन संगठन का जो मुझे जिम्मेदारी मिला है, इससे मैं दिल्ली में ज़्यादा काम करना पसंद करूँगी, दिल्ली और हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के अंदर राइट नाउ 5000 पीपल्स जो हैं उनके घर तोड़े गए, ये किए गए, जिस मुद्दे पे मैं 4 सालों से काम कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक पोस्ट की आवश्यकता थी। मैं किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, पर ये पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पार्टी को आगे लेके जाऊँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत आगे ला पाऊँ। विशाल जी, आपसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो काम करता है उसी का विरोध होता है। तो जिस प्रकार से नगमा काम कर रही है उसका विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये मलाड में सबको पता चल गया कि नगमा समाज के लिए काम कर रही है। और अगर आज मेरा बैनर फाड़ा जा रहा है तो निश्चित ही सबका फटेगा। मैं काम कर रहा हूँ और समाज के कुछ लोग असामाजिक तत्व विचलित हो रहे हैं कि कहीं कदम जमा दिए तो मैदान की तरह उनका घर भी मैदान ना बन जाए।